हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 11 का और एक प्रश्न पढ़ेंगे। हालावादी कविता का परिचय देते हुए प्रमुख हालावादी कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा तो यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि हालावादी कविता का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय दीजिए या उनके काव्यों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो हम इसको देखेंगे कि परिचय हालावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें हमने यहाँ पर लिए है प्रेम एवं मस्ती की कविता है, जीवन के यथार्थ पक्ष की उपेक्षा के स्वर है, व्यक्ति स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति है, वियोग का मार्मिक चित्रण है, राष्ट्र भावना का चित्रण है। अन्य जो मुद्दे हैं वह अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। यहाँ पहले हम इतने मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो परिचय के विषय में हम कहेंगे तो छायावादी काव्य धारा के साथ साथ हिंदी काव्य जगत में प्रेम और यौवन की प्रमुखता तथा आवेश को व्यक्त करने वाली एक विशिष्ट काव्य धारा के रूप में हमें यहाँ हालावाद प्राप्त होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार छायावादी काव्य धारा में प्रेम और यौवन को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था, आवेश को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था, इसी प्रकार यहाँ हालावादी काव्य में भी प्रेम और यौवन और आवेश इन सभी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें छायावादी काव्य के समान जीवन के प्रति असंतोष एवं विद्रोह की भावना के साथ स्वच्छंदतावादी वैयक्तिकतावाद के दर्शन होते हैं। इसमें हम देखें तो बालकृष्ण नवीन, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा जैसे कवि प्रमुख रूप से प्रवृत्त है। किंतु हम देखें तो हालावादी काव्य धारा में हरिवंश राय बच्चन के योगदान के कारण युवा वर्ग में विशेष लोकप्रियता हुई। हालावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अगले टॉपिक पर हम आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हालावादी काव्य में प्रेम, यौवन, आवेश आदि है। इस काव्य छायावाद में जो उत्तरार्ध में कुछ ऐसे कवि भी हमें देखने को मिलते थे कि जो व्यक्तिवादी एवं अहमवादी थे, यानी उनके काव्यों में हमें व्यक्तिवादिता और अभिमान स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का विरोध कर रहे थे और यही विरोध के कारण एक तरह से हम देख सकते थे कि कोई भी हो, उनका लक्ष्य, ऐसे कवियों का लक्ष्य केवल अपनी तृप्ति को, अतृप्त आकांक्षाएं थी, उनको तृप्त करना एक उनका लक्ष्य इस प्रकार बन गया था, ऐसे हमें देखने को मिलता था। अब क्या हुआ कि जो ऐसा समय आया कि जनता में निराशा फैली, क्रांतिकारियों का दमन हुआ, नैतिकता बेहद बढ़ गई और इसी कारण जो युवा वर्ग था उसमें इन कवियों के माध्यम से जो कविताएं की गई उन्होंने विद्रोह की भावना जो उसके अंदर पड़ी थी उसको जन्म दे दिया और इससे प्रेरित होकर कवियों ने कई कविताएं लिखी और हालावादी काव्य के रूप में वह
चर्चित भी हो गई और आगे चलकर इस पे राष्ट्रीय भावना एवं आध्यात्मिकता के स्वर भी दिखाई दिए। इसको हम जो नीचे हमने प्रमुख प्रवृत्तियां दी है उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रेम एवं मस्ती की कविता। यह जो प्रवृत्ति है वह हालाबाद की हम कह सकते हैं कि मुख्य प्रवृत्ति थी। आगे हमने कहा वैसे हारावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में कि सॉरी हारावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में नहीं परिचय में हमने कहा कि प्रेम यौवन और आवेश जो छायावादी कविताओं में मिलते थे वे यहाँ भी मिलते थे, मगर इसमें थोड़ा सा बदलाव था। और थोड़ा बदलाव यह था कि इसका प्रेम आवेश मस्ती यौवन इसका जो निरूपण था वह स्वच्छंद बन गया और इन्होंने प्रणय को ही साध्य मानकर स्वीकार किया। जीवन में जो निराशाएं थी वह दूर करने वाला तत्व यदि है तो उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि वह प्रेम ही है। छायावादी काव्य में भी प्रेम का चित्रण हुआ पर उन्होंने प्रेम को जीवन की यथार्थ एवं विषम व्यापकता में स्वीकार किया था। और यहाँ पर हालाबाद में क्या हुआ कि यहाँ पर हालाबाद में इस सभी को काव्य यथार्थ से दूर किया गया। यहाँ एक उदाहरण हम देखेंगे कि हो जाने दे गर्क नशे में मत पड़ने दे फर्क नशे में, हो जाने दे गर्क नशे में मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम और मस्ती का ही स्पष्ट चित्रण हुआ है। आगे हम चलकर हम देखते हैं तो जीवन के यथार्थ पक्ष की अपेक्षा के स्वर सॉरी उपेक्षा के स्वर। यहाँ पर हालावादी कवि ने जीवन के यथार्थ पक्ष से जैसे अपना मुंह मोड़ लिया था और यौवन के नशे में प्रेम के नशे में जैसे सब कुछ भुला दिया था और इस काव्य में जीवन के विषय में किसी गंभीर परिपक्व कल्पना का अभाव मिलता है क्योंकि उन्होंने क्या किया प्रेम को यौवन को ही विषय बनाकर कल्पना में स्वच्छंदता ले ली, जिससे जीवन में जो परिपक्वता होनी चाहिए गंभीरता होनी चाहिए वह उन विषयों का यहाँ पर अभाव मिला। यहाँ कवि जो थे वे केवल और केवल प्रेम में प्रणय में तल्लीन रहने लगे और उनको यह कहे कि संसार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, संसार का कोई भय नहीं था, वे केवल अपनी मस्ती में जीते थे। नेक्स्ट देखिए तो व्यक्ति स्वातंत्र की अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर व्यक्ति स्वातंत्र की अभिव्यक्ति भी हमें प्राप्त होती है। कवि का अहंकार यहाँ पर अधिक प्रबल हो गया, व्यक्ति स्वतंत्र की खुलकर प्रस्तुति हुई। हालावादी कवि ने व्यक्तिवादी स्वतंत्रता के कारण न तो संसार से डर था और न तो ईश्वर से। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हालावादी कवियों ने केवल व्यक्ति स्वतंत्र की अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट देखिए तो वियोग का मार्मिक चित्रण। अब यहाँ पर प्रेम है यौवन है मस्ती है मिलन है यह सब यदि है तो
वियोग भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में मिला है, नरेंद्र शर्मा की कविताओं में मिला है। इस प्रकार इस युग के कई कवियों में यह विरह की तीव्र अभिव्यक्ति हमें प्राप्त होती है, जो मिलन के दिनों की स्मृति वियोग के दिनों को अधिक दुखमय बना देती है, ऐसी प्रस्तुति हुई है। यहाँ पर अंतिम है राष्ट्र भावना का चित्रण। हालाबादी युग में स्वाधीनता संग्राम अपने परम स्तर पर था, चरम स्तर पर, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च स्तर पर था। देश को स्वतंत्र करने के लिए पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। ऐसे समय में हालाबादी कवि राष्ट्रीयता के प्रति के इस प्रभाव से बच नहीं सके। उन्होंने भी अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की। व्यापक जीवन से वे जुड़ गए और केवल स्वतंत्रता के गीत ही नहीं बल्कि उसकी प्राप्ति के पश्चात भी उन्होंने कविताएं प्रस्तुत की।